जब भी कोई टेक्स्ट हम खास करके कोई स्टोरी हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें से भी हम बच्चों के वोकेबुलरी कैसे इंक्रीज कर पाए, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हम अगर रोज कुछ ना कुछ बच्चों को नया वर्ड सिखाने की कोशिश करें तो वो बहुत उपयोगी होता है बच्चों के लिए कि अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। तो जैसे मैंने ये स्टोरी एलिफेंट का है, तो एलिफेंट एक वर्ड ले लिया है, तो ये टास्क हमारे शिक्षक साथी के लिए भी होगा। सर आप भी कोशिश कीजिए कि इस एलिफेंट वर्ड से आप तोड़ के कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि 3 लेटर वाले शब्द, 4 लेटर वाले शब्द, ऐसे क्या क्या शब्द हो सकते हैं। सर जरूर कोशिश कीजिए। तो और दाई भी ये शिक्षक साथी भी हमारी मदद करेंगे। मुझे लगता है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले हमने रीडिंग पे बात करते हुए कहा कि बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते, इसलिए कि उनको शब्द नहीं पता होते, उनके पास वोकैबुलरी नहीं होती है। तो ये जो कहानी में एक एक कैरेक्टर है, एलिफेंट है, उसी वर्ड को लेकर के आप अगर ये गेम कर रहे हैं तो ये तो काफी यूजफुल होगा। लेट मी ट्राई। हमारे टीचर्स तो काफी सारे जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल टेन बना सकते हैं देवी, TEN। बिल्कुल बना सकते हैं। और पूनम राठौर जी ने एंड शेयर किया, हर्षपिंदर दीपाली जी ने भी एंड शेयर किया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। तो और क्या क्या नए नए वर्ड्स आ सकते हैं, यहाँ पे हेन पैंट शेयर हुआ मुझे है। एक और वर्ड दिख रहा है देवी, PET, पिट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल हम क्या कुल कायना कुहर जी ने शेयर किया है एल्फ, तो ये भी एक बहुत नया वर्ड है और बहुत ही मजेदार एक वर्ड है, एल्फ उन्होंने शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जैसे इस तरीके के वर्ड के एक्सरसाइज हम आसानी से एक बोर्ड और चॉक लेके बच्चों के साथ कर सकते हैं, बच्चों को कॉपी में ग्रुप में बैठा के कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान होते हैं और बच्चे इसमें बहुत सही बहुत तुरंत भागीदार लेते हैं, उनको बहुत मजा आता है इस तरीके की गतिविधि ये करने में। बहुत मजेदार गतिविधि है और काफी यूजफुल भी होगी, क्योंकि हम रीडिंग की बात कर रहे हैं तो बच्चों के पास अगर इतने सारे शब्द हो जाएंगे एक ही शब्द से निकले हुए, तो इनको ध्यान में रखने में भी, याद रखने में भी उनको मजा आएगा कि सब एलिफेंट से ही बने थे, और पढ़ने में फिर उनको इससे मदद मिलेगी।